मत बिसरो, मत बिसरो, ये तीन बिंदु मत बिसरो, मत बिसरो। बीती बातों पे बिंदु धरो, बीती बातों पे बिंदु धरो, बिंदु बनो उसे याद करो, बिंदु बनो उसे याद करो। ये तीन बिंदु। ओम शांति। आज की तारीख है 27/2/13 और आज की ज्ञान मुरली का हेडिंग है मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं मीठे बच्चे सूर्यवंशी विजयमाला का दाना बनने के लिए सतयुगी सतयुगी दाना बनने के लिए श्रीमत पर पूरा पावन बनो। पावन बनने वाले बच्चे उनको एक विशेष प्राप्ति है। वो क्या बाबा बताते हैं कि पावन बनने वाले बच्चे धर्मराज की सजाओं से छूट जाते हैं। प्रश्न है देही अभिमानी बनने की मेहनत में लगे हुए बच्चों को कौन सा नशा रहेगा। उत्तर है कि मैं बाबा का हूं, मैं बाबा के ब्रह्मांड का मालिक हूं, बाबा से वर्षा लेकर विश्व का मालिक बनता हूँ। ये नशा देही अभिमानी रहने वाले बच्चों को ही रहता है और वही वारिस बनते हैं। उन्हें पुरानी दुनिया के संबंध याद नहीं रहते। देह अभिमान में आने से माया की चमाट लगती है, खुशी गुम हो जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे देही अभिमानी बनने की मेहनत करो और अपना चार्ट रखो। चार्ट रखेंगे तो हमें पता चलता जाएगा कि हम कितनी परसेंटेज में देही अभिमानी बनते जा रहे हैं। गीत बजा है आज का, आने वाले कल की तुम तकदीर हो, नाज करेगी दुनिया तुम पर, तुम दुनिया की तस्वीर हो। धारणा के लिए मुख्य सार है रूप और बसंत बनकर मुख से सदैव ज्ञान रत्न निकालने हैं। देवताओं जैसा खुश मिजाज बनना है। दूसरी पॉइंट है ज्ञान और योग बल से विनाश कर, किसका विनाश, विकर्मों का विनाश कर बाप से डबल वर्षा। हाँ, डबल वर्षा कौन सा है, मुक्ति और जीवन मुक्ति, गति और सदगति। तो उनका वो वर्षा लेना है, वरदान है। अपने शुभ चिंतन द्वारा वातावरण को शक्तिशाली बनाने वाले सदा सहयोगी संतुष्ट आत्मा भव। जो ऐसे अमृत वेले उठ के शुभ चिंतन औरों के लिए करते हैं, बाबा ने आज उन बच्चों को वरदान दिया है सहयोगी और संतुष्ट आत्मा भव। कभी किसी बात के कारण वातावरण नीचे ऊपर होता है तो सहयोगी आत्माओं का काम है हलचल में आने के बजाय वातावरण को शक्तिशाली बनाने में सहयोगी बनना। सदा सहयोगी अर्थात सदा संतुष्ट। एक बाप दूसरा ना कोई, कोई भी संकल्प आए तो ऊपर देकर स्वयं निर्संकल्प हो जाओ। स्व उन्नति और सेवा की उन्नति में स्वयं को बिजी रखो। शुभ भावना से जो भी शुभ संकल्प रखेंगे वह पूरा अवश्य होगा, लेकिन उसके लिए अवस्था जो है वो एक रस हो और चिंतन जो है वो शुभ हो। अच्छा स्लोगन है आज का, सबसे बड़े धनवान वह है जिनके पास पवित्रता का श्रेष्ठ खजाना है। अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को
नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। ओम